हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ एक नए डिज़ाइन का, या आप कह सकते हैं एक पुराने डिज़ाइन का बैग, लेकिन बहुत ही सिंपल, इजी और नए तरीके से। तो चलिए बिना डिले किए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस तरीके से मैं पुरानी बेडशीट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से आपको कोई भी अपना ब्लाउज लेना है जिसका आप नाप लेना चाहते हैं। इस तरीके से उसे रखते हुए, ये मैंने रख दिया, साइड से मार्जिन का छोड़ते हुए हम इसे कट कर लेंगे। और बैक के लिए अब हमने लाइनिंग के लिए कट करना है। तो एक पीस लेना है लाइनिंग वाला, इसके बीच में मैं रखूंगी इस तरीके से, जो प्लास्टिक वाला राइस बैग या सीमेंट बोरी होती है, आप फॉर्म शीट, रबड़ शीट वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर हमने ये जो कट किया है इसे रखना है। इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, इसके भी और इसके भी सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। कट हो गया, इसे भी कट कर लीजिए। कर लिया, तो इस तरीके से मेरे पास दो पीसेस रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एक पट्टी लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे की तरफ नहीं लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे नाप लीजिए आपका कितना आता है। तो ये मेरा 41 इंच आ रहा है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, 42 इंच की हमें इसमें पट्टी कट करनी है। साइड के लिए इस तरीके से मैंने पट्टी रेडी कर ली है। लंबाई 42 इंच जो मैंने आपके सामने नापी थी, और ये मैंने लिया है 6 इंच। अगर आप थोड़ा साइज बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये 6 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच का मैंने पूरा लंबाई पे निशान लगाया है, इसे हम पूरा लंबाई पे कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर लिया। अब इसके बीच में अटैच करनी है हमें जिप, तो इसके साइज की लंबी मैंने जिप ले ली। अब आपको करना क्या है, ये जिप है, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से पूरा लंबाई में इस पर सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने पूरा लंबाई में इस पर सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब इसे पलट देना है इस तरीके से, पलटते हुए ये देखिए हमारी जिप लग गई। यहाँ पे पूरे पे लंबाई पे टॉप स्टिच लगा, ये मैंने पूरा इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लिया। तो एक तरफ जिप अटैच हो गई, अब हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। ये जो पट्टी हमने कट की थी इसे रखना है जिप के ऊपर इस तरीके से रखते हुए। ये देखिए, यहाँ से लेके पूरा लंबाई में इस पर सिलाई लगा, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे भी पलट लीजिए, देखिए इस तरीके से, इसे ऐसे करना है इस तरीके से करते हुए। देखिए हमारी जिप इंसर्ट होगी, यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए पूरा लंबाई। मैंने टॉप स्टिच लगा लिया और रनर को इंसर्ट कर लिया। आप दो रनर भी इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने एक ही रनर इंसर्ट किया है। देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी रेडी होगी। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को हमें अटैच करना है उसके साथ। तो हमें ये लेना है इस तरीके से, यहाँ एक तरफ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे, यहाँ से घुमाते हुए, फिर इस तरीके से यहाँ राउंड में घुमाते हुए यहाँ तक हमें इसे सिलाई लगानी है, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर लेंगे। करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये मैंने पट्टी ले ली सीधी तरफ, यहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे, और यहाँ तक हमें दूसरी तरफ तक इसे। हमारी इस तरीके से अटैच हो गई। अब हम इसके ऊपर वाला पीस अटैच सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहले किया था। इसे इस तरीके से रखेंगे, एक तरफ से शुरू करेंगे और दूसरी तरफ तक हम पूरा इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा ऐसे है, ये पट्टी की सीधी तरफ रखनी है आपको इस तरीके से, यहाँ पे ये मैंने रख दी। यहाँ से हम सिलाई लगाते हुए पूरा इस एंड तक सिलाई लगा, ये हमारी पट्टी अटैच हो गई। देखिए ये जो हमने बीच में काटी थी पट्टी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने नाप लिया था, देखिए पूरा उसी नाप के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी अटैच हो गई।
अब हमें यहाँ से पीस के एक पट्टी लगानी है। आपको कैसे लेना है, एक चौड़ाई का और एक लंबाई का नाप लेना है। तो लंबाई का नाप मैं ले लेती हूँ 10 इंच। 10 इंच हमें लंबा लेना है और उसकी विड्थ हमें लेनी है इसके बराबर। ये है हमारा 6 इंच। तो 10 बाय 6 इंच का हमें एक पीस लेना है। तो आपको भी अपना जो आपने कवर बनाया है उसमें नाप के लेना है इस तरीके से। तो 10 बाय 10 इंच इसके बराबर इस तरीके से, और 6 इंच इसके बराबर। ये मैंने कपड़े का क्विल्टेड पीस ले लिया, ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा और बीच में राइस बैग, और उस पर मैंने सिलाई लगाई हुई है। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, पहले साइडों से करना है, उसके बाद ये दोनों सिलाइयाँ लगानी है। तो इसे इस तरीके से साइड में मैं बिछा लेती हूँ, ये मैंने रख दिया। इसे इसके ऊपर रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है। साइडों से थोड़ा सा इस तरीके से छोड़ देना है, पूरा सिलाई नहीं लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से थोड़ा सा देखिए इस तरीके से छोड़ दिया। इस तरफ सिलाई लग गई, अब हमें दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। ये वाला पीस रख दिया इस तरीके से, और ये वाले पीस को रखना है यहाँ पे जिप वाले पोर्शन के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई। ये देखिए दोनों तरफ सिलाई लग गई। अब दो सिलाइयाँ लगानी है, जस्ट सिंपल इसे पकड़ना है आपको यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इस वाले को पकड़ना है यहाँ पे। तो 1 और 2 दोनों सिलाइयाँ लगा। दोनों सिलाइयाँ लग गई, तो ये साइड भी हमारी अटैच होगी। रफ एजेस फिनिश करना चाहते हैं तो सिंपल पट्टी से रफ एजेस फिनिश कर लीजिए, और यहाँ से इस तरीके से इसे सीधा कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने इसे सीधा कर लिया, तो ये हमारी पीछे की तरफ आ गई। यहाँ हमारी जिप आ गई देखिए इस तरीके से, ये हमारी नीचे वाली बॉटम साइड आ गई देखिए इस तरीके से। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं देखिए, यहाँ से ये मैंने ओपन कर लिया, तो देखिए इस तरीके से ये हमारा ब्लाउज का कवर बिल्कुल रेडी हो गया। तो इस तरीके से इसका फाइनल लुक आया, देखिए हमारा ब्लाउज कवर बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए ये हमारी साइड, यहाँ पे हमारी जिप आ गई पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, और देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ नीचे की तरफ जिप लगाई है। यहाँ जब ऊपर की तरफ जिप लगाते हैं तो कई बार दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसमें आपको नया मेथड बताया है, यहाँ नीचे की तरफ जिप लगाने वाला। इस तरीके से जिप लगा के बनाएंगे तो ये बहुत ईजिली बन जाता है, देखिए बहुत ही सिंपल और ईजी तरीके से। देखिए बहुत जल्दी बन गया है देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा देखिए ब्लाउज कवर बिल्कुल रेडी हो गया, इसकी फाइनल लुक है इस तरीके से। ये मैंने सारे ब्लाउजेज रख दिए हैं, तो इसमें आपके अप्रॉक्सीमेट 15 ब्लाउजेज ईजिली आ जाएंगे। ये देखिए